मैं अंजला अग्रवाल आज आपको पालक पनीर की सब्जी बनाना सिखा रही हूँ। दोस्तों आप मेरी ये वीडियो पूरी देखिए और प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना ना भूलें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे इसको शेयर भी करें। मैंने ये पालक लिया था, पालक को मैंने अच्छी तरह काट कर और धो के रख लिया है। अब मैं इसको ब्लांच करूंगी क्योंकि मैंने पानी मेरा उबल रहा है। 20 मिनट के लिए मैंने पालक को इसके अंदर ब्लांच करना है। ब्लांच मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे पालक का रंग हरा रहे और इसके जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वे खराब ना हो, नष्ट ना हो। ये पालक बिल्कुल ब्लांच हो गया है। अब इसको हम निकाल कर सीधा ठंडे पानी में डालेंगे। ये बर्फ का पानी मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। गर्म पानी में से निकाल कर हम सीधा ठंडे पानी में डालते जाएंगे। अभी ठंडा होके इसको सीधा हमने मिक्सी में पीस लेना। ये हमारा ठंडा हो गया है, ये हमने मिक्सी में डाल दिया है। अब मैं इसको पीस रही हूँ। ये देखिए हमारा ये पालक पीस गया है। अब हम इसको किसी कटोरे में पोर कर लेंगे। कलर देखो कितना अच्छा आया है हरा। अब मैं पालक की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मैं कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अच्छा, अब हमारा ये घी गरम हो गया है तो अब हम इसके अंदर चुटकी भर हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक ये हमारा भून रहा है इसके अंदर हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि बड़ी इलायची, थोड़ा सा हम इसको कूट कूट के डालेंगे, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी लौंग और एक दो पीस एक काले मिर्च के दाने और एक तेज पत्ता क्रश करके। देखिए अब हमारा लहसुन थोड़ा ब्राउन होने वाला है। कोई भी मसाला बनाते हो तो आपको विशेष ये बात का ध्यान रखना है कि आपका लहसुन प्याज और ये खड़े मसाले अच्छी तरीके से भुने हुए हों, तभी आपका जो खाना है स्वादिष्ट बनता है। अब हमारा लहसुन ये भून गया है, अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी। हमने इस प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ब्राउन कलर ही रखना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है। अब हमारा ये प्याज भून गया है पालक पनीर के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ठीक ठीक ब्राउन हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सारे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच, हल्की सी खटाई और नमक स्वाद अनुसार। इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे। देखिए हमारा टमाटर ने भी घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यानी कि हमारा मसाला पक गया है। अब मसाला पकने पर मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्रश करी हुई कसूरी मेथी डाल रही हूँ। बिल्कुल इसको हमने हाथों से क्रश कर लेना है, मसल लेना है। ये देखिए कसूरी मेथी का जो इसमें अरोमा आएगी वो बहुत ही अच्छी आती है पालक पनीर में भी। अब मैं इसके अंदर पालक की प्यूरी डाल रही हूँ। इस पालक की सब्जी में हमने इस पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये हमारा पालक पहले से ही पक चुका था जब हमने इसको ब्लांच किया था। हल्का सा हम इसको ढक के रख देंगे 5-10 मिनट के लिए ताकि सारे मसाले इसमें मिल जाएं। अब ये मैंने पनीर के टुकड़े काट के रखे हुए हैं चकोर पीस में। चाहे तो आप इसको तल सकते हैं या आप इन्हें कच्चा ही यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कच्चा ही यूज कर रही हूँ क्योंकि तलने के बाद ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। जिसको लगता है कि हमारा पनीर टूट ना जाए तो वह तल सकता है। अब हमारा ये पालक बन गया है, इसमें पनीर के टुकड़े डालूंगी। इसको अब हल्के हल्के हाथ से हम चलाएंगे। कलर देखिए अब हमारा, अब ये पालक पनीर बन गया है। कम से कम 15 से 20 मिनट मुझे इसमें लग गया। अब मैं हल्का सा नटमैग घिस के डाल रही हूँ।
थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब हमारा ये पालक पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, रेडी टू सर्व। थैंक यू।